शॉर्ट्स से नहीं फिल्मों को अपनी पहचान बनाना चाहती हूं जाह्नवी कपूर। बॉलीवुड की एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर इन दिनों अपनी फिल्म कारगिल गला को लेकर सुर्खियों में है। इसके अलावा जाह्नवी लगातार 4 फिल्मों में नजर आएंगी। साल 2018 में अपनी फिल्म धड़क से डेब्यू करने के बाद लगातार जाह्नवी अपनी शूटिंग में बिजी रही है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जाह्नवी ने अपने करियर और अपनी फिल्मों पर बात की। उनकी माने तो जाह्नवी जैसा सोच कर आई थी उसी राह पर उनका करियर चल रहा है। फिल्म धड़क के दौरान जाह्नवी पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव और रणवीर सिंह संग काम करने को लेकर काफी ललायक थी और इस साल वो इन सभी सितारों के साथ काम कर रही है, जिसमें पंकज त्रिपाठी के साथ द कारगिल गर्ल, रणवीर के साथ तख्त और राजकुमार राव के साथ एक ट्रेस रोही अफजा में नजर आएंगी। इसके अलावा जाह्नवी ने फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले अपने कुछ निर्देशकों को भी फेवरेट बना लिया था, जिसमें जोया अख्तर और करण जौहर खास है। पिछले दिनों ही वो जोया अख्तर के साथ घोस्ट स्टोरीज में नजर आई थी। ऐसे में जाह्नवी ने जैसा सोचा वही चल रहा है, लेकिन अपनी पहचान को लेकर उन्होंने अनोखी राय रखी। दरअसल जाह्नवी ने कहा कि धड़क के बाद उन्होंने दो अलग अलग लोगों की तारीफें सुनने को मिली। किसी ने उन्हें कहा हमें आपकी पहली फिल्म बहुत अच्छी लगी, तो वही कुछ कहते हैं मैं हमेशा आपकी जिम लुक को अपनाने की कोशिश में लगी रहती हूँ। ऐसे में जाह्नवी कहती है कि मैं चाहती हूँ लोग मुझे मेरे काम से पहचाने, ना कि मेरे शॉर्ट्स से बता दें। जाह्नवी की आगामी फिल्में गुंजन, सक्सेस, नांद, कारगिल गर्ल, रूही अफजा, दोस्ताना दो और तख्त है, जो कि इस साल से रिलीज होना शुरू हो जाएंगी।